हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यू चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नवनीत अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम देखने वाले हैं स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, या मैं कह दूं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिमिटिव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके लेट्स गो। तो भैया ये इकलौता टॉपिक है फॉर अवर चैप्टर कंसिडरेशन, जो बच गया था। इसके बाद आपका कंसिडरेशन वाला जो चैप्टर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आप अपन नेक्स्ट जम करेंगे किसी और एक नए चैप्टर पे। क्लियर बात है एकदम? हां जी सर। बट इसको समझते हैं ये क्या है। तो द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिमिटिव्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मींस दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द पार्टीज ओनली एंड नो थर्ड पर्सन कैन सू अपॉन इट। इट मींस दैट अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू अपॉन इट। मतलब यहां पे क्या बोल रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिमिटिव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, ये मतलब होता है कि जैसे दो पार्टीज है ए और बी, दो पार्टीज है कौन ए और बी, इनके बीच में क्या हुआ है, इनके बीच में हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, इनके बीच में क्या हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर मान लो बी ने कर दिया डिफॉल्ट, बी ने कर दिया डिफॉल्ट, ए को क्या हो गया, ए को हो गया लॉस। तो जो लॉस रिकवर करने के लिए केस अगर करना है या कुछ एक्शन लेना है वो कौन लेगा, वो ए ही लेगा बी के अगेंस्ट में। ऐसा तो नहीं है कि कोई सी ई या कोई एक्स वाई जेड कोई आके बी के ऊपर केस कर देगा ए के बिहाफ में। क्या ऐसा हो सकता है क्या? आंसर इज नो, ऐसा नहीं हो सकता। और यही है अपना डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिमिटिव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं थर्ड पर्सन, तो कोई भी थर्ड पर्सन जो उस कॉन्ट्रैक्ट का कहीं दूर दूर तक पार्टी नहीं है, वो किसी भी पार्टीज को सू नहीं कर सकता। अक्सर क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, दो लोगों का झगड़ा होता है, पूरी पब्लिक आ जाती है, मेरे भाई को मारा, मेरे भाई को मारा। तो यहाँ पे कोर्ट बोलती है भैया ऐसा नहीं होगा, जिसको मार पड़ी है, जिसको तकलीफ है भैया वो आओ, अपने आप को खुद से वो रिप्रेजेंट करो। ठीक है, अपने आप को स्वयं आप रिप्रेजेंट करो, आपके बिहाफ पे कोई भी थर्ड पार्टी, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है वो आपके खिलाफ पे आके नहीं करेगा कोई भी चीज। ठीक है, मतलब एक एडवोकेट आ सकता है जो एक लीगल बंदा है। ऐसा नहीं है कि ए है तो ए का छोटा भाई है वो जाके ए के इस बड़े भाई के अगेंस्ट में बी के खिलाफ कुछ एक्शन ले, ना ऐसा नहीं होगा। ए को ही केस फाइल करनी पड़ेगी और ए को अगर भैया लीगल की समझ नहीं है तो वो एक एडवोकेट हायर कर सकता है जो ए को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जो सिर्फ ए को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यानी कोई भी तीसरा पर्सन, कोई भी थर्ड पार्टी क्या कर सकता है, किसी भी पार्टी को सू नहीं कर सकता अगर उस कॉन्ट्रैक्ट का वो हिस्सा नहीं है तो। एंड दिस इज व्हाट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसी में The Supreme Court of India recognized this rule in M.C. Chakko versus State Bank of Travancore 1970 का ये केस है और उसमें बोला गया it is settled law that a person not a party to a contract cannot subject to a certain well recognized exception enforce the term of the contract। ठीक है, Supreme Court ने बोला है और तब ये वहां से जाके वाला law निकल के rule निकल के आया 1970 में। उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसा person जो किसी contract का part नहीं है वो उस case में interfere नहीं कर सकता, वो किसी पार्टी को सू नहीं कर सकता। तो अंडर द इंग्लिश कॉमन लॉ ओनली अ पर्सन हु इज थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू अपॉन इट। क्या बोल रहे हैं, अंडर इंग्लिश कॉमन लॉ ओनली अ पर्सन हु इज अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू अपॉन इट। और यही चीज हमको इंग्लिश लॉ में भी देखने को मिलती है, यानी ब्रिटिशर्स का जो यूके का जो लॉ है उसमें भी यही बात लिखी हुई है कि कोई भी जो थर्ड पर्सन है वो केस नहीं कर सकता। इसी को उल्टी तरीके से लिखा है कि जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट में वही सिर्फ दूसरे पार्टी को सू कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। In India, the common law doctrine of privities of contract is applicable. In the course of time, the court have introduced a number of exceptions to the rule of privities of contract. और अब क्या हो गया, धीरे 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 इस चीज के भी एक्सेप्शन आते गए। जैसे अपन ने ऊपर वाले यानी प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बिना किसी कंसिडरेशन के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता, बट उसके भी टाइम वाइज हमको एक्सेप्शन मिलते गए। वैसा ही डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ एक्सेप्शन आ गए, मतलब अब थर्ड पार्टी जो है वो सू कर सकती है इवन दो दैट पार्टी इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बट अब वो कौन से एक्सेप्शन है नीचे अपन देखेंगे। उसके पहले छोटा सा ये पैराग्राफ है इंडियन लॉ का। इंडियन लॉ क्या बोलता है, द लॉ इन इंडिया इज द सेम एज द इंग्लिश लॉ। मतलब कोई भी थर्ड पार्टी सू नहीं कर सकता, जिस पार्टी को डैमेज हुआ है वही सू करेगा। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट में प्रोसीड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी बट द थर्ड पार्टी हु इज स्ट्रेंजर टू एन एग्रीमेंट कैन नॉट सू ऑन द एग्रीमेंट। क्या बोल रहे, कंसिडरेशन तो किसी थर्ड पार्टी से आ सकता है। कंसिडरेशन क्या है, किसी थर्ड पार्टी से आ सकता है, लेक्चर नंबर 1 में अपन ने देखा था, बट कोई भी थर्ड पार्टी किसी को सू नहीं कर सकती है। A person who is a party to the contract alone can enforce the legal rights arising therefrom. So a stranger to a contract as a rule cannot sue upon the contract. ठीक है, तो कोई भी stranger किसी को भी sue नहीं कर सकता है। Clear बात है। But अब इसके कुछ exception है, वो exceptions क्या है? The following are the exception to the rule that a stranger to a contract cannot sue. Number one is beneficiary of a trust. क्या बोल रहा है यहाँ पे, a trust is created for the benefit of the beneficiary. Hence the beneficiary can enforce the provision of the trust even though he is a stranger to a contract. क्या बोल रहा है, कोई ट्रस्ट अपन बनाते हैं, बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं, वो ट्रस्ट क्यों बनाया जाता है, ताकि उसके जो मेंबर्स हैं, जो बेनिफिशियरी है उनको बेनिफिट हो सके। अब मान लो ट्रस्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी एक्स वाई जेड कंपनी के साथ, ट्रस्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी कंपनी के साथ, कंपनी ने कर दिया डिफॉल्ट। अब या तो ट्रस्ट उसके ऊपर केस कर, या कोई भी बेनिफिशियरी है उसमें से उठ के केस कर सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट बनाया जाता है बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशियरी के लिए, और अगर किसी बेनिफिशियरी को बेनिफिट नहीं होता है तो वो प्रोविजन के साथ जाकर कोर्ट में केस कर सकता है इवन दो वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर है।
सेकेंड इज प्रोविजन ऑफ मैरिज सेटलमेंट, अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू ऑन द कॉन्ट्रैक्ट वेयर अ प्रोविजन इज मेड फॉर हिम इन मैरिज सेटलमेंट। तो मैरिज सेटलमेंट के केस में कोई भी स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट सू नहीं कर सकता है, कोई भी स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट सू नहीं कर सकता। जैसे मान लो लड़के वाले हैं लड़की वाली, इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग मैरिज सेटलमेंट, तो कोई भी थर्ड पार्टी आके, कोई भी पड़ोसी आके बीच में अपना दिमाग, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा सकता, सू नहीं कर सकता। थर्ड इज प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस और मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ फीमेल मेंबर्स अंडर अ फैमिली एग्रीमेंट। इन केस अ प्रोविजन इज मेड फॉर द मैरिज और मेंटेनेंस ऑफ फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली ऑन द पार्टीशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, द फीमेल मेंबर कैन एनफोर्स द प्रॉमिस दो शी मे बी अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। एक फीमेल मेंबर क्या बोल रहा है, अंडर अ फैमिली अरेंजमेंट क्या कर सकती है, अपने बेनिफिट के लिए क्या कर सकती है, केस कर सकती है, सू कर सकती है, एक्शन ले सकती है, इवन दो शी इज अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है भैया अपना फोर्थ एक्सेप्शन, दैट इज असाइनी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब असाइनी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, द बेनिफिट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी असाइन, द बेनिफिट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी असाइन, किसी कॉन्ट्रैक्ट से क्या बेनिफिट होगा, किसको बेनिफिट होगा, ये हम असाइन कर सकते हैं। अब जो असाइनी है, द असाइनी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स द बेनिफिट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू दो ही इज नॉट अ पार्टी फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल ए असाइन्स हिज इंश्योरेंस पॉलिसी इन फेवर ऑफ हिज वाइफ, ए क्या करता है वो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी जो क्या है अपने वाइफ के फेवर में असाइन कर देता है, द वाइफ कैन एनफोर्स हिज ऑल्दो शी इज नॉट अ पार्टी टू इट। मतलब क्या है यहाँ पे, ए ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, मतलब एक ही डेथ पे या एक ही क्या हो जाएगा, अगर उसने हेल्थ इंश्योरेंस ली कोई भी बीमारी पे, पैसा किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। अब अगर ए की डेथ हो जाती है उसको पैसा नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा भैया, उसने अगर अपनी वाइफ को एज अ नॉमिनी बना के रखा है, उसने उसके फेवर में ट्रांसफर करके रखा है, तो वो क्या कर सकती है, वाइफ भी उसको क्या कर सकती है, एनफोर्स करा सकती है, इवन दो शी इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी कौन कौन है, हस्बैंड है और वो इंश्योरेंस कंपनी है, बट वाइफ क्या हो सकती है, बीच में आ सकती है। नेक्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी। अब ये क्या पॉइंट है भैया, तो ये है वेयर द प्रोमिसर आइदर बाय हिज कंडक्ट और एक्नॉलेजमेंट और बाय पार्ट पेमेंट और बाय एस्टोपेल क्रिएट्स प्रिविटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हिमसेल्फ एंड द स्ट्रेंजर कैन सू, द स्ट्रेंजर कैन सू। क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी प्रोमिसर या तो कोई कंडक्ट करके या एक्नॉलेजमेंट से, यानी वो मान रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है, मान रहा है, संज्ञान में ले रहा है, ठीक है, तो कोई भी प्रोमिसर जो है आइदर बाय हिज कंडक्ट और बाय एक्नॉलेजमेंट और पार्ट पेमेंट और बाय एस्टोपेल अगर प्रिविटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर देता है बिटवीन हिमसेल्फ एंड अ स्ट्रेंजर, तो स्ट्रेंजर क्या कर सकता है, उसको सू कर सकता है। अगर स्ट्रेंजर किसी भी तरीके से पार्ट बन जा रहा है या उसको प्रोमिसर एक्नॉलेज कर रहा है, तब स्ट्रेंजर क्या कर सकता है, सू कर सकता है। लास्ट इज एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर एंटर्ड इनटू बाय एन एजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल कैन बी एनफोर्स बाय द प्रिंसिपल इवन दो ही इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या, यहाँ पे एक है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया एजेंट, एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी थर्ड पर्सन से, थर्ड पर्सन ने कर दिया धोखा, तो इस केस में पहला क्या होगा, पहला जो है एजेंट उसको सू कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर एजेंट सू नहीं कर रहा है तो क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल भी, क्योंकि वो पार्टी नहीं है, प्रिंसिपल पार्टी का है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी के बीच में, यानी एजेंट और कोई थर्ड पार्टी के बीच में, बट क्योंकि एजेंट जो है किसके लिए काम कर रहा था, एजेंट काम कर रहा था प्रिंसिपल के लिए, तो प्रिंसिपल भी क्या कर सकता है, इस थर्ड पार्टी को जो है सू कर सकता है। तो दिस इज अगेन एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर अ थर्ड पार्टी कैन सू इवन इफ He is not a part of the contract. क्या क्या एक्सेप्शन एक बार देख लेते हैं। पहला, किसी ट्रस्ट के लिए कोई भी बेनिफिशियरी कर सकता है मैरिज सेटलमेंट के केस में। तीसरा है अपना फीमेल मेंबर एक्सपेंसेस के बारे में, असाइनी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी अगर प्रोमिसर एक्नॉलेज कर लेता है तो, और कोई भी प्रिंसिपल एजेंट के बिहाफ पे क्या कर सकता है, केस कर सकता है, सू कर सकता है थर्ड पार्टी को। तो दिस वॉज अवर स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, या मैं कह दूं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक। और इसी के साथ हमारा जो कंसिडरेशन वाला चैप्टर जो है तीन पार्ट में जैसा मैंने बोला था वो खत्म होता है, और अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो दिस आज की इस वीडियो को हम यहीं पे रैपअप करेंगे। अब लास्ट तक बने रहे, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।